हो गया सर। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ सीए संकल्प कांस्टिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सीए फाइनल एएफएम में, एंड ट्रस्ट मी दिस कैन कम फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। सो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे सीए फाइनल पेपर टू एएफएम, पेपर सिक्स आईबीएस, ये सबसे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा विच विल बी वेरी यूजफुल टू यू इन क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। प्लस एंश्योर दैट यू आर क्लिकिंग द बेल आइकन सो दैट जो भी अपडेट्स आपको मिलते जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा या आपको ये थॉट प्रोसेस अच्छा लगे, डू प्लीज शेयर योर लाइक विद मी एज वेल। अब इंस्टीट्यूट ऑफ लेट, इंस्टीट्यूट के ऊपर से ना मेरा थोड़ा विश्वास हट गया था। मतलब कैसा पता है, इंस्टीट्यूट का एक लेवल है। पहले आरटीपी अगर आता था ना इंस्टीट्यूट का, तो मतलब एकदम हम लोग टेंशन में आ जाते थे यार, स्टूडेंट्स के यार आरटीपी आया है। आरटीपी में इंस्टीट्यूट अलग ही लेवल का क्वेश्चन निकालता था, मॉड्यूल से समथिंग डिफरेंट जो पास्ट पेपर में भी नहीं आया, वेरी न्यू क्वेश्चंस। ऑफ लेट आरटीपी देखोगे ना 90% सब सेम ही रहता है, ठीक है। सो मुझे लगा था अभी इंस्टीट्यूट यार है नहीं इनके पास, कुछ ज्यादा क्वेश्चन बैंक में लग रहा है, तो ठीक है अपन ने गिव अप कर दिया था। मैं बोला देखो आरटीपी भी ये बार अगर तुम लोग देखोगे एक क्वेश्चन उन्होंने नया नहीं डाला है। एमटीपी भी अगर ये लोग बार का देखोगे, एमटीपी सीरीज वन, तो कुछ इतना ग्रेट नहीं है। फाइनली इंस्टीट्यूट ने एक वेबिनार लिया, उस वेबिनार में बोला कि नॉन थ्योरी चैप्टर्स में से भी थ्योरी आ सकता है, और ऐसा करके दिखाया। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप, अ क्लासिक कॉन्सेप्ट जो ऑब्वियसली अपने को नहीं पता है क्योंकि अपन ज्यादा उसको यूज किया ही नहीं है लाइफ में बॉस। सो उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क का कंपलसरी एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 डाला। अब ऐसा कुछ अगर सीधा एग्जाम में आ जाए तो पैरों तले जमीन निकल जाए। सो ऐसा ना हो इसके लिए लेट्स डू दीज थिंग्स प्रॉपरली। अभी अपने पास काफी टाइम है, मैं ऐसे और भी चीजें आइडेंटिफाई करूंगा आपके लिए, एंड विल पुट अप अ वीडियो ऑन दिस चैनल फॉर श्योर। बाकी आपको मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे जरूर बताना, आई विल लेट यू नो। तो अब बात कुछ ऐसी है कि मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ओपन करके दिखाता हूं। तो अगर आप लोग अपना एमटीपी ओपन करोगे ना, आपको पता भी नहीं होगा शायद, पर सीरीज 2 का एमटीपी आ गया है बीओएस नॉलेज पोर्टल से, वो जो इंस्टीट्यूट का ऐप है वहां से आपको मिल ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये देखो अक्टूबर 24 सीरीज 2 का है, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप। अरे ये क्या होता है? सो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप, याद है तुमको 2008 में लीमन क्राइसिस हुआ था, तब ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप वॉज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये हुआ था। तो सर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप होता क्या, हमको तो यही नहीं पता है, तो हम कहां से इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे? ये देखो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप से रिलेटेड क्वेश्चन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप से रिलेटेड क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस पूछा उन्होंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप से रिलेटेड। ये देखो अगेन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप से रिलेटेड क्वेश्चन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ मैं सीधा ये एमसीक्यू सॉल्व करूं तो करूं, बट अगर आपको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप क्या है वो ही नहीं पता होगा तो मैं करूंगा क्या, मतलब खाली मैं बोलूंगा आप लोग खाली ऐसा लटट्टा मारने जैसा हो जाएगा। सो व्हाट आई थॉट इज के चलो लेट मी फर्स्ट रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू गाइस। सो एक्सक्लूसिव वीडियो, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो या ये थॉट प्रोसेस ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप। डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं मैं आपको आपके मॉड्यूल से, चैप्टर 8 डेरिवेटिव्स में से है ये, चैप्टर 9 है शायद, 9.35 आपको पेज नंबर दिख रहा है, सीधा यहां से ही पढ़ा रहा हूं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 पेजेस। सो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप का पूरा मेन फीचर्स क्या है, यूज क्या है, पार्टीज से रिलेटेड एग्जाम्पल, सेटलमेंट कैसा होता है, ये सारी चीजें, ये पूरा का पूरा आपको मॉड्यूल का एक एक वर्ड मैं करवा दूंगा आने वाले 20 मिनट्स में मैक्सिमम। ऑलराइट गाइस, स्पीड पे सुन लेना, कोई टेंशन नहीं है, बट एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ मुझे लगा कि और भी चीजें आ सकती है, आपको लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू। दूसरा मेरे को बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, जो अपन लोग ने नवरात्रि सेशंस लिए थे, सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो मैंने तुम लोगों को बना के दे दिए, अपन लोग ने लाइव ले लिया था, अब तुम लोग उसको 2-3 बार सुनो, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। सो डू लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल, एंड प्लीज उसको शेयर करना अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट दे कैन ऑल्सो डेफिनेटली यूज इट। सो थ्योरी कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज का मैंने एक बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, और अभी अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी बन गया है। सो वी आर नाउ फुल्ली कवर्ड, एंड आई थिंक यूजफुल रहेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए काफी हद तक। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, ओपन कर लो ये मॉड्यूल का पेज, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड
विद दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप. 10 मार्क्स के लिए यू नेवर नो एमटीपी में आया है, शायद मेन एग्जाम में भी आ सकता है. कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसा कर लेता है, एमटीपी का ही क्वेश्चन, आरटीपी का ही क्वेश्चन एज इट इज मेन एग्जाम में पूछ लेता है. अगर आ गया अब पहले समझ लो, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं वो एमसीक्यू सॉल्व करूंगा. फिर जब ये समझ जाओगे फिर वो वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे एक बार बता देना. हाँ सर, अंडरस्टूड. अगर तुम लोग की कमेंट्स में आ गया अंडरस्टूड, ठीक है, देन इन दैट केस आई विल, आफ्टर दैट ओनली आई विल मेक अ वीडियो एक्सप्लेनिंग यू द एमसीक्यूज जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने पूछा है. बट उसके पहले आपको मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि बस मैं बस बताते जा रहा हूं तुम लोग के साथ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा हूं और तुम लोग को इसका बेस कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है. ऑलराइट गाइस, तो वेटिंग फॉर योर अंडरस्टूड एंड देन द नेक्स्ट वीडियो विल पॉप वेरी सून. चलो लेट्स स्टार्ट. तो गाइस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ. सो ऐसा सोचो कि मैंने आपको लोन दिया है. जी हाँ, आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मैंने एक लोन दिया है. तो मैं कौन हुआ? लोन गिवर. आप कौन हुए? लोन टेकर. आप मुझे रेगुलर बेसिस पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रीपे करोगे. मैंने आपको दिया है 1 करोड़ का लोन एंड अपना टर्म है टोटल 25 ईयर्स का. 25 ईयर्स के ड्यूरेशन में आप मुझे मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रीपे करोगे. ठीक है, अब मुझे लगा कि यार आप लोग बहुत जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो या बहुत बड़ा प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगा आपके पास, तो मैं टेंशन फ्री बैठा हूं. बट यार ये प्रोफेशनल डिग्री का तो कोई भरोसा नहीं है. तो आने वाले 3-4 साल आप लोग ने रेगुलरली मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों रीपे किया. बट उसके बाद मैं देख रहा हूं कि यार आप लोग ये एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हो. तो अब मुझे डर लग रहा है कि यार ये लोग के पास पैसा तो कमाने के लिए जरिया ही नहीं है, सैलरी नहीं आएगा तो ये लोग मेरे को पे कैसे करेंगे. ऐसे सिचुएशन में मेरे को जब डर लगना चालू हो जाए कि आप डिफॉल्ट कर दोगे मेरे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट के ऊपर, एट दैट पॉइंट इन टाइम आ जाता है ये कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप. तो अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, फाइनेंशियल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिग बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग. जैसे तुम लोग ने जेपी मॉर्गन, डॉइच बैंक, गोल्डमैन सैक्स, ये सब कंपनी का नाम सुना है, लीमैन ब्रदर्स पहले हुआ करती थी. तो ये सब कंपनीज बहुत हाई लेवल के ऊपर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स का ट्रेडिंग करती है. तो मैं जाऊंगा लीमैन ब्रदर्स या जैसा मैंने बोला जेपी मॉर्गन, डॉइच बैंक या गोल्डमैन सैक्स के पास और बोलूंगा कि यार मुझे डर है कि ये इंसान मेरा पैसा रीपे नहीं कर पाएगा. बट आप बोलते हो यार टेंशन मत ले, अच्छा आदमी है, पूरा का पूरा पैसा दे देगा, क्यों टेंशन लेते हो. मैं बोला अच्छा मैं टेंशन ना लू तो तुम लोग मेरे लिए ये काम करवा दो ना. मालूम है अपन लोग के एक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है फैक्टरिंग, बस उसी से कनेक्टेड है ये, वैसा ही कुछ है. तो अब मैं एंटर करता हूं एक क्रेडिट डिफॉल्ट, अगर हुआ देन इन दैट केस वो डिफॉल्ट स्वॉप हो जाएगा. समझना ये नाम कैसे आया. मैंने आपको लोन दिया हुआ है, सो आई हैव गिवन यू अ क्रेडिट. अगर आपने डिफॉल्ट किया देन इन दैट केस आपका डिफॉल्ट मैं नहीं बेयर करूंगा, मैं वो स्वॉप कर चुका हूं. मेरा जो डिफॉल्ट, आपका जो डिफॉल्ट है उसको मैं स्वॉप कर चुका हूं इस एंटिटी के साथ. तो जिस दिन आपने डिफॉल्ट किया मैं जाऊंगा उस एंटिटी के पास और उसको बोलूंगा देखो उसने क्रेडिट डिफॉल्ट कर दिया है, चलो अब स्वॉप करते हैं. यानी आपका डिफॉल्ट मैं उनको दे दूंगा और उनके पास से जो मेरे को पैसे आपकी तरफ से मिलने चाहिए थे वो पूरे के पूरे पैसे उनके पास से ले लूंगा. बट कोई ऐसा फ्री में करेगा क्या? ऑब्वियसली दे विल चार्ज अ कमीशन फ्रॉम मी. सो अब इसमें कमीशन कैसे पे होता है पता है क्या? जैसे आप मेरे को पेमेंट करोगे वो पेमेंट में से कुछ परसेंट कमीशन का माइनस होके जिसके थ्रू मेरा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप का अग्रीमेंट हुआ है उनके पास जाता है. अगर पूरे ड्यूरेशन में आपने डिफॉल्ट किया ही नहीं देन इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप का यू नो एग्जीक्यूशन एंड जो उसको कमीशन जाना है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप इंस्टीट्यूशन को इट विल गो पूरा का पूरा. बट अगर देयर इज अ डिफॉल्ट देन ये जो भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप वाला इंस्टीट्यूशन है वो अब आपके साथ डील करेगा. अब वो आपको फोन करेगा और बोलेगा कि चल भाई पैसा निकाल. वो रिकवर कर सकता है आपके थ्रू एसेट्स, वो रिकवर करेगा फ्यूचर में अगर आपको कोई अर्निंग्स आ रहा है तो सारा का सारा पैसा. और मेरे को जो पैसा आपकी तरफ से मिलना चाहिए था वो पूरा का पूरा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप इंस्टीट्यूशन दे देगा. क्या आपको समझ में आया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप क्या होता है? अब आओ थोड़ा इसको इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी आ जाए हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स. क्या? क्रेडिट, लोन गिवन, मैंने आपको क्रेडिट दिया.
डिफॉल्ट आपने नॉन पेमेंट किया, स्वॉप मैंने किसके साथ कर लिया, एक इंस्टीट्यूशन मैंने बीच में अपॉइंट कर लिया, और उन्हीं के साथ एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटी कर लिया, एक्सचेंज ऑफ रिस्क कर लिया. अकॉर्डिंगली सीडीएस कैन बी डिफाइंड एज एन इंश्योरेंस नॉट इन स्ट्रिक्टर सेंस. तो इन शॉर्ट, तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं मैं आपको रेगुलरली, ताकि अगर कल उठ के कुछ प्रॉब्लम हो जाए देन इन दैट केस मैं इंश्योर्ड हूं. ऐसा ही होता है ना भाई, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम अगर आपने कभी लिया, तो मेरे को एक्सीडेंट हो गया या मेरे को कोई मेडिकली प्रॉब्लम आ गई, देन इन दैट केस आई एम इंश्योर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. वैसा ही कुछ यहाँ पे, सीडीएस कैन बी डिफाइंड एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन अ डेब्ट विच मे बी डिबेंचर्स बॉन्ड्स एटसेट्रा, जो भी मैंने आपको लोन दिया हुआ है. समझे गुरु एवरीबॉडी, डन. अंडर दिस अरेंजमेंट वन पार्टी कॉल्ड बायर नीडिंग प्रोटेक्शन, मैं क्या होता हूं, सीडीएस बायर. ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सीडीएस सेलर. नीडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्ट पेज अ पीरियोडिक प्रीमियम टू अनदर पार्टी कॉल्ड सेलर. तो मैं बायर हूं, ये सेलर है, मैं इसको क्या दे रहा हूं, पीरियोडिक प्रीमियम, जैसा इंश्योरेंस में होता है, हु इन टर्न अज्यूम्स द डिफॉल्ट रिस्क. हेंस इन केस डिफॉल्ट टेक्स प्लेस देयर विल बी सेटलमेंट, एंड इन केस नो डिफॉल्ट टेक्स प्लेस नो कैश विल अक्रू टू द बायर लाइक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड. अगर भाई कोई हम लोग के बीच कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, तो मैंने उसको जो प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम अपने पास रख के निकल जाएगा, बात खत्म. मैं अभी बायर के पास है, मैं वो सेलर के पास है, ऐसा नहीं बोल सकते चल डिफॉल्ट हुआ ही नहीं तू मेरे को पूरा का पूरा प्रीमियम वापस दे दे. कुछ नहीं भाई, बात खत्म, हो गया. अगर डिफॉल्ट हुआ होता तो मैं उससे पूरा पैसा ले लेता, डिफॉल्ट नहीं हुआ है, मैंने जो प्रीमियम दिया वो उतना मेरा एक्सपेंस लॉस. समझ में आया, इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है काइंड ऑफ. ऑल्दो इट रिजेंबल्स द ऑप्शंस, बट सिंस एलिमेंट ऑफ चॉइस इज नॉट देयर, इट रिजेंबल्स द स्वॉप अग्रीमेंट. इट इज अ स्वॉप अरेंजमेंट, मैं स्वॉप कर रहा हूं अपना रिस्क. सिंपल. अमाउंट ऑफ प्रीमियम मेनली डिपेंड्स on the price of underlying and specially when the credit risk is obviously the amount of premium kis pe depend karega, insurance will premium kis pe depend karta hai, jo insurance ka amount hota hai, yahan pe bhi waisa hi hai. मेन फीचर्स, तो अभी आप लोगों को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप क्या है अच्छी तरह से समझ में आ गया. अब इसके कुछ फीचर्स लिखे हैं यहाँ पे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर. मैं गया था गोल्डमैन सैक्स के पास या डॉइच बैंक के पास, और हम लोग ने इंटरनली एक अरेंजमेंट किया कि भाई इतने अमाउंट का है, इतने ड्यूरेशन का है, इतना मैं प्रीमियम पे करूंगा. तो इट इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट. जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. इन स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा उतना ही प्रीमियम डिसाइड होगा. यहाँ पे आप लोग दोनों में प्रीमियम निगोसिएट भी हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर. Therefore, it is covered in forwards contracts category. मैंने बोला ना, futures and options regulated है stock exchange के through. Forward regulated नहीं है. Bank और आपके साथ जो भी negotiation के साथ जो terms होगा, that is how it is decided. They are normally not traded on any exchange. Remains free from regulations of governing body like a SEBI. तो यहाँ पे कोई सेबी वेबी इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, आपका काम है आप देख लो. द इंटरनेशनल स्वॉप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन पब्लिशेस द गाइडलाइंस. तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई है, यू कैन जस्ट फॉलो दोज गाइडलाइंस टू बी सिक्योर. सीडीएस कैन बी परचेज फ्रॉम थर्ड पार्टी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिफॉल्ट ऑफ बोरोवर्स. तो मेरे लिए तो आप थर्ड पार्टी हुए. कॉस्ट और प्रीमियम हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द रिस्क अटैच विद द लोन्स. अब ये भी जो सीडीएस दे रहा है इंस्टीट्यूशन, इसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है. ही विल ऑल्सो असेस कि भाई सामने वाला जिसको आपने लोन दिया है, जिसको आपने क्रेडिट दिया है, वो कैसा है. अगर वो ज्यादा रिस्की हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, उसका है ना एक रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग निकालेंगे. अगर ट्रिपल ए प्लस है, विच इज अ वेरी गुड रेटिंग, देन इन दैट केस द प्रीमियम अमाउंट विल बी लोअर. जैसे अपने साथ होता है ना एज का, अभी अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के जाओगे ना, तो आपका एज कम है तो आपका प्रीमियम कम, बट आप आपके सेम चीज पेरेंट्स का अगर इंश्योरेंस निकलवाने जाओगे ना, उनका प्रीमियम ज्यादा होगा. व्हाई? बिकॉज द रिस्क अटैच्ड इज मोर. Therefore, higher the risk attached, higher will be the premium or cost of CDS. If an investor buys a CDS without being exposed to credit risk of the underlying bond issuer, it is called as naked CDS. तो इसको बोलते हैं naked CDS. देखो, naked CDS में क्या होता है basically, से for example मैं हूँ OYO या Airbnb का owner. अब Airbnb का जो owner है, या फिर से मैं हूँ ओला, ओला का अगर आपको पता होगा, ओला का owner है भावेश अग्रवाल. अब यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ओला का जो बंदा है,
ही टेक्स अ सीडीएस फॉर अ टैक्सी विच ही डज नॉट ओन, या एयरबीएनबी का जो ओनर है वो कोई अपने घर के लिए जो खुद वो ओन नहीं करता है उसके लिए कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप लेता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेकेड सीडीएस बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली ओनिंग द एसेट, फिर भी आपने उसका एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप ले लिया है, बट सो नॉट वेरी हाईली यूज, बट दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज नेकेड डिफॉल्ट स्वॉप. अब आ जाओ यूजेस के ऊपर आ जाते हैं. वॉट इज द यूज ऑफ अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप? हेजिंग. मेन पर्पज ऑफ सी डी एस इज टू न्यूट्रलाइज और रिड्यूस अ रिस्क. इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं यार, मेरे को चैन से घर पे सोना है, मैं भाई तुम्हारे को थोड़ा प्रीमियम दे दूंगा चलेगा, बट अगर डिफॉल्ट हुआ देन इन दैट केस मुझे टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में. तो हेजिंग के लिए यूज होता है. मेजोरिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स डू दिस. दस बाय बाइंग सी डी एस रिस्क कैन बी पास ऑन टू द सी डी एस सेलर और राइटर. मतलब मैं सी डी एस सेलर को अभी अपना पूरा का पूरा राइट दे रहा हूं, सामने वो कमा रहा है प्रीमियम चलेगा, मेरे को शांति से चैन से घर पे सोना है. जैसा मैंने आपको पूछा था अगर आपको चाहिए कि यूएसए में 2008 में सब प्राइम मॉर्गेज में क्या हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स भी इन्वॉल्व था, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल डेफिनेटली मेक इट. सेकेंड है इट इन्वॉल्व अ सीडीएस एंड एंटरिंग इन टू अ एसेट स्वॉप. फॉर एग्जाम्पल अ फिक्स्ड कूपन पेमेंट ऑफ अ बॉन्ड इज स्वॉप अगेंस्ट अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट स्ट्रीम. सो यहाँ पे अगेन देर इज अ आर्बिट्राज. सो हो सकता है कि आपके पास फिक्स्ड एसेट हो और आप फ्लोटिंग के ऊपर बेट कर रहे हो कि भाई फिक्स्ड में ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, फ्लोटिंग रेट में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएगा. सो यू आर बेसिकली प्लेइंग ऑन द आर्बिट्राज एंड स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन में जैसा आपको पता होगा कि नेट सेटलमेंट होता है, कैन बी यूज टू मेक प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द प्राइस चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल अ सीडीएस राइटर अज्यूम्ड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट विल गेन फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इफ क्रेडिट रिस्क डज नॉट मटीरियलाइज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इफ कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड एक्सीड्स पोटेंशियल पे आउट. इसका भी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं. से फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, मैं जा रहा था सीडीएस इंस्टीट्यूशन के पास, मैं और मैं बीच में मेरे को मेरा एक फ्रेंड मिल गया. वो फ्रेंड ने मेरे को बोला संकल कहाँ पे जा रहे हैं? मैं बोला यार मेरे को एक सीडीएस लेना है, मेरे को डर है कि यार ये लोग पेमेंट नहीं करेंगे. तो मेरा फ्रेंड बोलता है रुकना मेरे को देखने दे. तो उसने एनालाइज किया तुम लोग के क्रेडिट रिस्क और उसने बोला कि तू सीडीएस कंपनी के पास मत जा, मैं ही तेरे को मेरे तरफ से एक सीडीएस दे देता हूं. तो हम लोग दोनों मैं और मेरे फ्रेंड के बीच में एक सीडीएस का अग्रीमेंट हो गया. तो ही इज स्पेक्यूलेटिंग, उसको लग रहा है कि उसको जितना प्रीमियम मिलेगा दैट विल बी हायर देन द डिफॉल्ट दैट यू आर गोइंग टू डू. उसको लग रहा है कि यार जो डिफॉल्ट करने वाला है वो लास्ट 23rd या 24th ईयर में करेगा, तब तक मेरा फ्रेंड इतना प्रीमियम कमा चुका होगा कि अगर डिफॉल्ट भी किया तो वो उसको पे ऑफ करके भी उसके पास कुछ ना कुछ बच जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेशन इन अ सीडीएस. आई होप समझ गया होगा. पार्टीज टू द सीडीएस कौन कौन है? एक मैं हूं एक तू है और एक क्रेडिट सेलर है. तो इनिशियल बोरोवर्स कॉल्ड एज द रेफरेंस एंटिटी. आज से आपको नाम दिया गया है रेफरेंस एंटिटी विच आर ओनिंग अ लोन और बॉन्ड ऑब्लिगेशन. दूसरा है बायर विच इज इट इज कॉल्ड इन्वेस्टर दैट इज बायर ऑफ प्रोटेक्शन. मैं बायर विल मेक रेगुलर पेमेंट टू द सेलर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रेडिट डिफॉल्ट एंड जिसके पास मैं जा रहा हूं राइटर ऑफ द सीडीएस मेक्स पेमेंट टू द बायर इन इवेंट ऑफ क्रेडिट इवेंट ऑफ रेफरेंस एंटिटी इट रिसीव्स अ रेगुलर पे ऑफ फ्रॉम द बायर. सो मेरी तरफ से इनको एक प्रीमियम जाएगा, रेगुलर पे ऑफ जाएगा. समझ गया? बायर बोरोवर कॉल्ड एज रेफरेंस एंटिटी. यू आर द रेफरेंस एंटिटी, मैं बोरोवर हूं और ये है सेलर. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज बीबी कॉर्पोरेशन बाइज अ सीडीएस फ्रॉम एसएस बैंक फॉर द बॉन्ड्स अमाउंटिंग टू $10 million ऑफ डेंजर कॉर्प. सो बीबी कॉर्प ने क्या किया, एक सीडीएस लिया फ्रॉम एसएस बैंक. अब इसको है ना एसएन पढ़ने का, इसको आपको यूज लिखने का. क्या तो आप बीबी कॉर्प क्या हुआ? बायर ऑफ सीडीएस. एसएस बैंक क्या हुआ? सेलर ऑफ सीडीएस. ठीक है. और डेंजर कॉर्प क्या हुआ? रेफरेंस एंटिटी. समझे तुम लोग? ऐसे कनेक्ट कर दिया अपन लोग ने ये तीनों वर्ड्स को. इन सच अ केस बीबी कॉर्प जो बायर है विल बिकम द बायर, एसएस बैंक बिकम सेलर एंड डेंजर कॉर्प बिकम्स द रेफरेंस एंटिटी. इन्होंने लिखा उसके पहले अपने को समझ गया था. बीबी कॉर्प विल मेक रेगुलर पेमेंट टू एसएस बैंक ऑफ द प्रीमियम एंड डेंजर इफ डेंजर कॉर्प डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट. तो बीबी कॉर्प पेमेंट रेगुलर करेगा प्रीमियम का. अगर डेंजर कॉर्प ने डिफॉल्ट किया दे विल रिसीव, बीबी कॉर्प विल रिसीव वन टाइम पेमेंट एंड सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड. मतलब अब जो सीडीएस सेलर है वो मेरे को मेरा पूरा पैसा दे देगा,
अब सीडीएस सेलर एंड द रेफरेंस एंटिटी विल सी हाउ द देयर डेट इज टू बी मैनेज्ड. सेटलमेंट कैन बी टू थिंग्स, आइदर फिजिकल सेटलमेंट होगा या कैश सेटलमेंट. ये कैश सेटलमेंट को प्यार से नेट सेटलमेंट भी बोलते हैं. आइए देखते हैं. ब्रॉडली फॉलोइंग आर द मेन वेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ सीडीएस. पहला फिजिकल सेटलमेंट. It is the traditional method of settlement, involves the delivery of bonds or debentures of the reference entity by the buyer to the seller and seller pays the buyer a par value. मतलब अभी सुनो क्या हुआ. सपोज बॉन्ड्स इशू किया है आपने, मुझे बॉन्ड्स इशू किया, मैंने आपको पैसा दिया. लोन में भी ऐसा ही होता है, मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है. अब आपने मुझे क्या दे दिया है, बॉन्ड्स दे दिया है, ठीक है. अब आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया. जैसे ही आप डिफॉल्ट करोगे, मैं सेलर का दरवाजा खटखटाऊंगा और उसको बोलूंगा चल भाई मेरे को मेरा पैसा दे दे. सेलर मेरे को मेरा पैसा दे देगा, बट जो बॉन्ड्स है वो फिजिकली मैं सेलर को ट्रांसफर कर दूंगा. फिजिकल सेटलमेंट, समझे. इन्वॉल्व्स क्या, डिलीवरी ऑफ बॉन्ड्स और डेट्स ऑफ द रेफरेंस एंटिटी बाय द बायर टू द सेलर एंड सेलर पेज द बायर द पार वैल्यू. For example, as mentioned above, Danger Corp defaults SS Bank will pay $10 million to BB Corp and BB Corp will deliver $10 million face value of bonds to SS Bank. तो भाई मेरे पास इतना bonds पड़ा है, वो bond का पैसा तू मेरे को दे दे, CDS seller, ठीक है. अब वो bond का owner कौन है, SS Bank. वो Danger Corp के साथ connect करके it will try to recover the money. दूसरा है cash settlement, इसको मैं प्यार से बोलता हूँ net settlement. Under this arrangement, the seller pays the buyer difference between par value and market price of a debt, whatever may be the market value. अब इसका example आ रहा है, उससे समझ जाएगा आपको, don't worry. Of the ref, continuing the above example, suppose market value of bond is 30%, as market is of the belief that bond holder will receive 30% of the money owed in case company goes into liquidation. तो SS Bank will pay BB Corp 10 minus 3, 7 million. मैं आपको बताता हूँ इसका interpretation कैसे. इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है कि सपोज यहां पे पहले वाला ले दो. फिजिकल सेटलमेंट में क्या होगा पता है, मेरे पास 10 मिलियन का बॉन्ड पड़ा है, मैं ये 10 मिलियन का बॉन्ड दे दूंगा सेलर को, ठीक है. सेलर मेरे को 10 मिलियन दे देगा. अब इसमें सेलर बोलेगा कि भाई 10 मिलियन जो तेरे पास आया उसमें से कुछ पैसा तो तेरे को मिल गया होगा ना, वो पैसा मैं एसएस बैंक को दे दूंगा. हो गया हम लोग का हिसाब सेटल. दूसरा होता है कैश सेटलमेंट. कैश सेटलमेंट में क्या है भाई, 10 में से 3 मेरे को मिल चुका है, कितना बाकी है, 7 बाकी है ना. मैं एसएस बैंक को बोलूंगा भाई मेरे को खाली 7 मिलियन दे दे, तू मेरे को खाली 7 मिलियन दे दे. तो यहां पे मेरे पास 3 मिलियन तो आ चुका है, 7 मिलियन आना बाकी है, कैश सेटलमेंट के थ्रू वो हो जाएगा. टू मेक कैश सेटलमेंट इवन मोर ट्रांसपेरेंट, क्रेडिट इवेंट ऑक्शन वॉज डेवलप. क्रेडिट इवेंट ऑक्शन सेट अ प्राइस फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट दैट चूज कैश सेटलमेंट. अभी ये जो बॉन्ड है उसका एक रियल मार्केट वैल्यू देखा जाता है और उस रियल मार्केट वैल्यू के बाद जो डिफरेंस बचा है, बायर को मिलना बाकी है वो डिफरेंस, वो सेलर विल पे टू द बायर द डिफरेंस अमाउंट. समझ में आया, एज सिंपल एज दैट. दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप में तीन एंटिटी होती है, फटाफट देख लेते हैं. एक इनिशियल बोरोअर आप, मैं हूं बायर, और एक है सेलर. इसमें दो तरह से सेटलमेंट हो सकता है. एक होता है फिजिकल सेटलमेंट जहां पे बॉन्ड्स में आपको दे दूंगा और आप उस बॉन्ड्स का मेरे को पेमेंट कर लोगे, फिर आप लोग इंटरनली मैनेज कर लोगे. या फिर होता है कैश सेटलमेंट, भाई जितना मेरे पास आ गया उसका भी जो पेमेंट पेंडिंग है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जो सेलर है वो बायर को पे कर देगा. बाकी जो फीचर्स है ये अपने को पूरी तरह से पता चली गया. यूजेस ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप में मैंने बोला हेजिंग के लिए यूज करता है कोई, स्पेक्यूलेशन के लिए करता है कोई, आर्बिट्राज के लिए करता है. मेरा फ्रेंड बीच में मिल गया, उसने स्पेक्यूलेट किया कि यार हो जाएगा मैनेज, आपसे डिफॉल्ट क्रेडिट डिफॉल्ट भी हुआ तो ही टेक केयर ऑफ इट, हो गया. हेजिंग कौन करता है, बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज एंटर इनटू हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अगर उनको डर लग रहा है एक्सपोर्टर को कि यार पैसा नहीं आएगा, दे विल एंटर इनटू अ सीडीएस. गॉट इट गाइस, ओके. नॉन स्टैंडर्डाइज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड के जैसा है, और बाकी ये तो तुम लोगों को मैं पूरी तरह से बता ही चुका हूं. सो आई होप सीडीएस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. अब आपके अगर एग्जाम में आता है अच्छी तरह से इसको अटेम्प्ट करके आने का. नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, और सीए फाइनल AFM द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट
कैसे इसको कंप्लीट करें कम टाइम में एंड उसको और एक बार रिवाइज कर ले सो दैट वी कैन इंश्योर दैट वी स्कोर द मैक्सिमम. याद रखना, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट कैन बी अ मेक और ब्रेक फॉर यू, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट की वजह से आप लोगों को अपना जो एवरेज है वो काफी हद तक पुशअप करने के लिए मिल जाएगा. सो इज द केस विद योर ग्रुप वन एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. 5 मिनट लूंगा मैं आपके, ज्यादा नहीं, बट जो बेसिक पॉइंट्स है लेट्स गेट दैट क्लियर. सो 8 डेज का मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूं. मैंने पहले भी बताया, मैं वापस से आपको बताता हूं दैट देखो, फॉर योर नवंबर 24 एग्जामिनेशन टेक 2 डेज फॉर एवरी फेज. तो क्या ये टोटल मेरे पास 4 फेजेस है. इन 4 फेजेस के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे, 25 मार्क्स इक्वली ऑलमोस्ट डिवाइडेड है एंड यू विल ऑल्सो कंप्लीट देम थरली. सो क्या आता है ये फेज 1 में, एंड दैट इज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. बाय डिफॉल्ट 25 मार्क का इसमें से आना ही आना है, और इसी से स्टार्ट करो. म्यूचुअल फंड से एक आपको किक स्टार्ट मिलेगा, इजी चैप्टर है, मजा आएगा. फिर बाद में आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉर्मुला ओरिएंटेड है, ये भी एकदम स्मूथली हो जाएगा. एंड थर्ड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. नाउ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस यूजुअली इग्नोर हो जाता है, या इसके ना छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स अपन लोग ध्यान से करते नहीं है. सो इसके लिए मैंने फेज 1 में रखा है, बिकॉज अपन यहाँ पे एकदम फ्रेश रहेंगे. सो वी विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस चैप्टर विच कम्स फॉर 10 मार्क्स फॉर श्योर इन एवरी अटेम्प्ट. सेकेंड फेज में मैंने लिया है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग जो नया है, डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटाइजेशन. ये ऑब्वियसली एक थ्योरी है. सो ये थ्योरी तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे जो रिवीजन लेक्चर्स है थ्योरी के, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा. डेफिनेटली वहां से देख लो. बट उसके पहले प्लीज एंश्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड यू आर स्टेइंग सब्सक्राइब टू द चैनल विद क्लिकिंग द बेल आइकन, बिकॉज काफी सारा मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा रिलेटिंग टू पेपर 2, पेपर 6 एंड अदर थिंग्स एज वेल. सो डेफिनेटली वी वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड फॉर श्योर. सो डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का आता है. सो ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर का एक कवरेज 25 मार्क्स का आराम से हो जाता है. सो टेक दैट एज अ फेज 2, 2 डेज. अब इसमें से सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं आ रहा हूं उसके ऊपर भी. थर्ड फेज में आ जाता है माय फेवरेट फॉरेक्स, IFM एंड IRRM. एंड लास्ट फेज है बिजनेस वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट जो थियोरी वाले हैं. सो लास्ट फेज फटाफट अपने को उड़ाना है. अगर कहीं पे अपने पास टाइम कम भी पड़ रहा है तो ये लास्ट फेज से अपन लोग उसको थोड़ा चुरा सकते हैं, बिकॉज लास्ट फेज इज प्रिटी मच ऑफ थियोरी पार्ट एंड मैनेजेबल, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. करना है अपने को, बॉस एक चीज याद रखना, कोई भी चैप्टर ऑप्शन में मत छोड़ना, बिकॉज ICAI की नजर आप सबके ऊपर है. कहीं पे भी आपकी नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. एंड प्लस मैंने 15 के 15 चैप्टर्स का गाइज रिविजन लेक्चर्स बनाया हुआ है. ये देखो ऑल चैप्टर्स रिविजन लेक्चर इज देयर, हार्डली 1 आवर 2 आवर का है कुछ कुछ चैप्टर्स का. तो यार तो मतलब उसको तो 1.5 और उसके स्पीड पे देखोगे तो स्मूथली हो जाएगा. मतलब कोई स्कोप ही नहीं आपको कोई भी चैप्टर ऑप्शन छोड़ने का, राइट. सो ये है अपना रिविजन स्ट्रेटेजीज रहेगा. 2 डेज इस हिसाब से अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दो, एंड ट्रस्ट मी फिर एक लोड भी नहीं लगेगा कि अरे और पूरा AFM करना है. नहीं, अब अपने को क्या करना है, एक फेज निपटाना है, कर लिया उसको, डन. अच्छा, फेज में कौन से क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं उसके लिए मैंने बनाया ये सुपर 60, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. लास्ट टाइम वाला ही है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फ्रेंकली स्पीकिंग चेंजेस है नहीं. सो आई थॉट के आई शुड शेयर दिस विद यू एट द सेम टाइम. तो सर ये कहां पे मिलेगा हमारे को, ये आपको मिलेगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. क्या ये कवर करता है सारे के सारे एस्पेक्ट्स टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट? यस. तो ये देखो, इसमें मैंने आपको बताया भी है कौन से क्वेश्चंस मैंने कहां से पिकअप किए हैं, मॉड्यूल में कहां कहां पे है, वो सारी चीजें यहां पे आप लोगों को देखो मेंशनड है. सो ये वाला चैप्टर 2 सिक्योरिटी एनालिसिस का मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन कहां से पिकअप किया है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिफर दिस एंड अपना काम हो जाएगा. क्यों मैंने इसमें लिए है मास्टर सम्स, कि भाई इतना कर लिया अपन लोग ने, देन इन दैट केस कॉन्सेप्ट वाइज काफी सारी चीजें अपनी कवर हो जाएगी. सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू, और आप लोगों को जो एक टाइम का क्रंच रहता है वो डेफिनेटली यहां से अपना सॉल्व हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, सो ये अपने को फॉलो करना है. तो यहाँ पे दो दो दिन में सर कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को दे दिया ये सुपर 60. अब आ जाओ कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर.
हब हमेशा याद रखना, जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो प्लीज मेक अ समरी ऑफ एवरी क्वेश्चन। इससे आपको एक किक स्टार्ट मिलेगा क्वेश्चन के लिए, एंड एट द सेम टाइम एग्जामिनर को भी दिखेगा दैट यस यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। बोलते ना स्टेप वाइज मार्किंग होता है, बस ये आपको समरी नोट से स्टेप वाइज मार्किंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, यार क्या चाहता है क्वेश्चन वो समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल बिगिन योर स्टार्ट। स्टार्ट राइटिंग, स्टॉप ऑडिटिंग। AFM में कितने स्टूडेंट्स है जिनको लगता है अरे सर ये वाला क्वेश्चन तो आता है, बट जब आप लोग सॉल्व करने बैठते हो एग्जाम में तो कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाते हो या कोई छोटा सा छोटा सिली मिस्टेक कर देते हो ओनली बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि सर मैं प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर्स, बट उसको मैं प्रॉपरली मल्टीप्लाई डिवाइड करना रह गया बिकॉज अगेन सर थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था, दैट्स इट। बाकी कुछ करना नहीं था, जस्ट मल्टीप्लाई करना था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को, बट हो जाता है ऐसा गलती, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीस थिंग्स। रिफर मैजिक बुक फॉर पॉइंट वाइज थियरी एंड फॉर्मुलाज इफ यू हैव, इफ यू डोंट हैव प्लीज गाइज मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूं, इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, यू शुड हैव इट फॉर योर एग्जाम डे रिविजन फॉर श्योर। मतलब वो 1.5 डेज के लिए दैट बुक इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लेसिंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलाज एंड एवरीथिंग दैट इट हैज। एंड राइट एट लीस्ट वन फुल पेपर, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, स्पीड भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे रखना है, एंड दैट्स वॉट इवेंचुअली यू वॉन्ट। थिंग्स टू डू इन जनरल, जो अभी अपन लोग लास्ट एक डेढ़ महीना अपना एग्जाम का बाकी है तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्या नेक्स्ट डे का प्लान, रात को सोने के पहले रेडी होना चाहिए, बैकलॉग जितना कम रख सकते हो रखो बिकॉज अदरवाइज इट विल क्रिएट एंग्जाइटी और फिर आने वाला पूरा दिन वेस्ट जाएगा। हो सके तो दो सब्जेक्ट रखो साथ में, अदरवाइज एक सब्जेक्ट से बोर हो जाओगे। थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करो, यूज कैजेन अप्रोच, मतलब ब्रेक द होल सब्जेक्ट और वॉट यू आर गोइंग टू डू इन टू वेरियस पार्ट। एक पार्ट कंप्लीट होता है, बैक थोड़ा आराम करो, वापस से नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाओ। सो दैट्स हाउ इट शुड बी, एंड थियोरी प्रैक्टिकल फोकस करो, चाहे विद AFM है या जिसको मैं बोलता हूँ 10 मार्क्स श्योर शॉट कंसेप्ट, उसका मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ, विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, सो मैजिक बुक ले लेना, विल बी यूजफुल। तो सुपर 60 के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, एंड फिर AFM के थियोरी नोट्स, थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फटाफट 2 दिन में थ्योरी कंप्लीट करना है पूरा का पूरा सब्जेक्ट का, सो ये आप लोगों के साथ मैं थ्योरी नोट्स भी शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज यूज दिस, विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर लास्ट मिनट रिविजन्स। सो ये रहा AFM का रिविजन लेक्चर का सब लिंक्स, जस्ट क्लिक करना है एंड यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। सो 8 डेज मैंने फेज वाइज डिवाइड कर दिया, ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा कि मैंने कैसे उसको फेज वाइज डिवाइड किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए सुपर 60 दे दिया है, थ्योरी क्वेश्चंस का PDF आपको दे दिया है। MCQ मेरे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं। सो ये देखो, ये MCQ क्विज दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग ने आज का डेट्स भी दे दिया है दैट दिस इज हाउ यू शुड स्टडी सो दैट यू आर एबल टू गिव द MCQ। और ये तो हंसते खेलते दे सकते हो यार आप लोगों, तो खाली क्लिक करना है एंड आपका काम हो जाएगा। राइट गाइज, सो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहना, बिकॉज ये देखो यहाँ पे ऐसे हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन दैट यू वॉन्ट एंड यू विल एंजॉय इट। एट द सेम टाइम आप लोगों का कॉन्सेप्ट कवरेज भी पूरी तरह से होते जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस मैं बोल चुका हूं, ठीक है। RTP November 24, गुड न्यूज फॉर यू, नो चेंज। ICAI ने सब एज इट इज मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा के डाले, सो अच्छी बात है, अपने को करना भी नहीं है, वो जरूरत ही नहीं है। अभी RTP आप November 24 का देखो भी मत, सेम क्वेश्चंस जो IMC इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हैं वही एज इट इज है, क्या मतलब है, ठीक है ना। सो प्लीज अब देखो सब चीजें आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। कमेंट में आप लोग प्लीज एंश्योर करना मुझे दैट यस यू विल गिव योर बेस्ट एंड एंश्योर मैक्सिमम मार्क्स। ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको और मेरी तरफ से कुछ चाहिए स्पेशली AFM के लिए, देन ऑल्सो आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू। राइट, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट, सो वही लिखना है, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड आई वॉन्ट टू एंश्योर दैट आई विल गेट इट। रिविजन लेक्चर्स की मैं बात करता हूं तो मेरे पास 2 है, एक फुल चैप्टर का है और मैं 10 मार्क्स का कॉन्सेप्ट रिविजन विद प्रैक्टिकल सम्स करवा रहा हूं। इट इज अ मस्ट वॉच अगेन, स्पेशली अगर आपने SCPM में मेरे 10 मार्क्स श्योर शॉट सक्सेस देखे है तो कैसे 15 मिनट में कॉन्सेप्ट हो गया, सम हो गया, डन। 15 मिनट लिया मैंने, कॉन्सेप्ट उठाया, उसी से रिलेटेड सम लिया, डन। सो वो आप देखो, अभी आप की तारीख में सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है यार, है कि नहीं? सो वो अटेंशन स्पैन 15 मिनट से ज्यादा का है नहीं, तो आप एक एक दो दो घंटे के कई बार रिवीजन वीडियोस देखते भी नहीं हो,
बट एटलीस्ट 15 मिनट का कॉन्सेप्ट तो देख सकते हो, देख लो, सम भी देख लो, हो गया चलो। मैंने ही इस रिवीजन लेक्चर को काइजेन कॉस्टिंग की तरह उसको डिवाइड कर दिया। ऐसे मैं बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स के लेकर आता रहूंगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। कुछ भी डाउट्स हो या कुछ आपको पूछना हो, माई व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। चलो गाइस, सो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला वेस्ता, कीप स्माइलिंग एंड कुछ आपको मेरी तरफ से चाहिए हो, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, स्टे सब्सक्राइब सो दैट आपको और भी ऐसी बेनिफिशियल चीजें मिलती रहे एंड यस कीप स्माइलिंग। ठीक है, हंस के करेंगे तो अच्छी तरह से स्मूथली काम हो जाएगा। बाय, थैंक यू सो मच।